स्वागत है आप सभी का सिनेफ्लैश के एक और एपिसोड में, जहां आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास भर भर के न्यूज है। कल की 2898 एडी की डिले से लेके SSMB 29 के ऊपर अपडेट, RRR के सीक्वल से लेके Amazon प्राइम वीडियो द्वारा फोड़ा हुआ इतना बड़ा बॉम्ब, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, कुछ खाने को ले लो, बैठ जाओ और बस वीडियो एंजॉय करो। सबसे पहले कल की मूवी की बात करें तो इंडिया के अंदर इलेक्शन के डेट अनाउंस हो चुके हैं, जहां इंडिया के अंदर इलेक्शन अप्रैल से लेके जून तक चलने वाले हैं, जो कि 7 अलग अलग फेजेस में होंगे। अब वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों जगह 13 मई को इलेक्शन होने हैं। अब सिंस प्रभास की ये मूवी तेलुगु इंडस्ट्री में टेक प्लेस करती है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही इस मूवी का होम मार्केट हो जाते हैं। तो मूवी रिलीज होनी है 9 मई को और मूवी के होम मार्केट में इलेक्शन है 13 मई को, जिस वजह से मूवी के डिले होने के रूमर्स काफी ज्यादा आ रहे थे एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस भी यही कि मूवी डिले हो सकती है। हालांकि इस बारे में चर्चा करने के लिए मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने एक स्पेशल मीटिंग जरूर रखी थी, जिससे अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आया है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो इस मूवी को डिले नहीं करना चाहते। बट अगर ये मूवी डिले होती है तो प्रभास के करियर की 5वीं ऐसी मूवी होगी जिसे दूसरी बार डिले किया जा रहा है। अब बात प्रभास की हो ही रही है तो उनकी एक और मूवी की बात कर लेते हैं, द राजा साहब की। तो राजा साहब मूवी के प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राजा साहब मूवी के अंदर काफी बड़े स्केल का VFX यूज होगा और साथ ही साथ ये मूवी विजुअल स्पेक्टिकल भी होगी। अब एक हॉरर कॉमेडी मूवी में VFX कहां यूज होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट उनके अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर VFX का हैविली यूज होगा, जिसको देख के ऑडियंस शॉक हो जाएगी। अब ऐसा राधे श्याम के दौरान भी कहा गया था और राधे श्याम कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी में थोड़ा बहुत लैग करती है, और वही मैं यहाँ पे भी कहूंगा कि बस स्टोरी नेल कर लो, VFX ऊपर नीचे होगा तो भी हम चला लेंगे काम। उन्होंने ये भी कहा कि राजा साहब मूवी के प्रमोशनल मटेरियल्स ड्रॉप होना शुरू होंगे जब कल की 2898 रिलीज हो जाएगी, जो कि डिले होने की कगार पे खड़ी है, तो क्या ही कहा जाए। हालांकि रूमर्स ये आए थे कि राजा साहब के जो मेकर्स हैं वो इस मूवी को अगले साल यानी कि 2025 की मकर संक्रांति यानी कि 12 जनवरी को रिलीज करना चाहते हैं। अब आपके क्या ओपिनियन इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगले अपडेट की बात करें तो जापान के अंदर RRR का एक स्पेशल शो लगाया गया था, जिसको खुद अटेंड किया था SS राजामौली ने। तो इसी शो में राजामौली ने कुछ अपडेट्स दिए SSMB 29 मूवी के बारे में, जहां उन्होंने बताया कि मूवी की स्क्रिप्टिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, कास्टिंग अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि मूवी से रूमर्स ये भी आ रहे थे कि SS राजामौली ने रिसेंटली ऋतिक रोशन को किया है SSMB 29 मूवी के लिए। अब कुछ लोग कह रहे थे कि राजामौली ने एक्चुअली में विलेन के रोल के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया है, बट नो मैटर व्हाट कि ये रोल क्या होता है, बस मेक इट हैपन प्लीज राजामौली सर, मेक इट हैपन, क्योंकि ऋतिक रोशन जैसा टैलेंटेड एक्टर एक टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ काम करेगा तो सिनेमा का लेवल बढ़ेगा। अब इसी शो के दौरान उन्होंने RRR 2 से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत चीजें बताई, अब चीजें नहीं बताई है, सिर्फ टीज किया है थोड़ा बहुत, जहां उन्होंने ये कहा कि RRR 2 को लेके उनके पास कुछ आइडियाज जरूर है जिनको वो शेयर नहीं करना चाहते। अब जाहिर सी बात है शेयर क्यों ही करेंगे, क्योंकि अगले 3 साल उनके SSMB 29 में वेस्ट होने वाले हैं और उसके बाद भी क्लियर नहीं है कि SSMB 29 के बाद ही RRR 2 पे काम शुरू होगा। आगे बात करें Amazon प्राइम वीडियो की, तो भाई इतना बड़ा बम फोड़ दिया Amazon प्राइम वालों ने, मानना पड़ेगा। वर्ल्ड सिनेमा के हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्लेट अनाउंस कर दी है उन्होंने। हालांकि चीजें बहुत अनबैलेंस्ड थी, क्योंकि किसी किसी प्रोजेक्ट से तो कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ नाम रिवील कर दिया गया है और कुछ ज्यादा डिटेल बताई भी नहीं उन सोर्स से। बट फिर भी समअप करके बताऊं तो प्राइम वीडियो के इस इवेंट के अंदर 69 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, जो की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स में टेक प्लेस करते हैं। अब इस इवेंट में अनाउंस किए गए 69 प्रोजेक्ट में से 27 प्रोजेक्ट ओरिजिनल वेब सीरीज है जिनको अनाउंस किया गया है, जिनमें से 20 हिंदी लैंग्वेजेस में है, 4 तमिल और 3 तेलुगु में है। इसके बाद 5 रिटर्निंग वेब सीरीज भी हैं, जिनमें 4 हिंदी लैंग्वेज में हैं और 1 तमिल में। इसके साथ 8 ओरिजिनल मूवीज भी अनाउंस की गई हैं, जिसमें 6 हिंदी मूवीज हैं, 2 तेलुगु मूवीज भी शामिल हैं। अब ये तो थे उन प्रोजेक्ट्स के नाम जिनको Amazon प्राइम वीडियो खुद प्रोड्यूस कर रहा है और खुद बना रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के अलावा उन्होंने 29 लाइसेंस्ड मूवीज के OTT राइट्स खरीदे हैं, मतलब थिएट्रिकल रिलीज के बाद ये सारी की सारी मूवीज आपको Amazon प्राइम वीडियो पे ही देखने को मिलेगी। आगे बात करें तो रॉकिंग स्टार यश की अपकमिंग मूवी टॉक्सिक से एक कास्टिंग अपडेट सामने आई है, जहां रूमर्स ये आ रहे हैं कि इस मूवी के अंदर श्रुति हसन को कास्ट कर लिया गया है। अब हो भी सकता है कि श्रुति हसन को इस मूवी के अंदर कास्ट कर लिया गया हो, क्योंकि ऑलरेडी श्रुति हसन इस मूवी का पार्ट है। अगर तुम्हें नहीं पता तो टॉक्सिक का जो टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो आया था तो उसके अंदर जो म्यूजिक यूज हुआ था टॉक्सिक का टाइटल OST उसको कंपोज और उसमें वोकल्स श्रुति हसन ने दिए थे, तो हो भी सकता है ये रूमर सही भी हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो रामचरण की अपकमिंग मूवी RC16 की पूजा सेरेमनी रखी गई थी 19 मार्च को, जहां इस पूजा सेरेमनी के अंदर जब डॉक्टर शिवा राजकुमार को इस मूवी की स्क्रिप्ट सुनाई गई तो उनको ये स्क्रिप्ट काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि मेन कैरेक्टर के अराउंड जो स्टोरी बनाई गई है वो उनको बहुत पसंद आई है। तो अब इस मूवी का काम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। रामचरण के साथ साथ हमें इस मूवी के अंदर बॉलीवुड से जानवी कपूर भी दिखेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आरका मीडिया वर्क्स ने 2 मूवीज अनाउंस कर दी है, जिन दोनों मूवीज में लीड रोल में हमें फहद फासिल दिखेंगे, जिनमें से एक मूवी है ऑक्सीजन और दूसरी मूवी है डोंट ट्रबल द ट्रबल। इन दोनों मूवीज से एक एक पोस्टर भी रिलीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा 19 मार्च को बहुत सारी मूवीज के टीजर और ग्लिम्स ड्रॉप हुए, जिनमें से सबसे पहला है सूर्या और बॉबी देओल की कंगुआ मूवी का टीजर,
जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, तुमको यहाँ पे ऊपर या फिर यहाँ पे कार्ड का लिंक देखने को मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में, तो जाके वो चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे डीपली डिस्कस किया है हमने इस मूवी के बारे में। इसके अलावा जॉन अब्राहम की वेदा मूवी का भी टीजर ड्रॉप कर दिया गया जो कि देखने में ठीक ठाक लग रहा है। उसके बाद पवन कल्याण की उस्ताद भगत सिंह मूवी का भी एक शॉर्ट ऑफ ग्लिम्स या फिर टीजर ही कह सकते हो, उसको भी ड्रॉप कर दिया गया है। और बहुत जल्द यानी कि 26 मार्च को बड़ी मियां छोटी मियां का ट्रेलर भी हमें देखने को मिल सकता है। अब पिछले वीक हनुमान मूवी को भी ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है, जिसका तेलुगु वर्जन यानी कि ओरिजिनल वर्जन तुम G5 में देख सकते हो। वहीं अगर इसका हिंदी वर्जन तुम देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पे फ्री में देख सकते हो। इसके अलावा फाइटर मूवी भी 21 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, तो अगर तुमने थिएटर्स में ये मूवी मिस की है तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हो। अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक मूवी नेटफ्लिक्स पर नहीं आई है, क्योंकि मैं 20 मार्च को रात 9 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। प्रोबेबली ये वीडियो 22 तारीख तक आएगी, तो जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद फाइटर नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, तो देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। बाकी यही था एक छोटा सा वीडियो इस वीक के अपडेट्स को समाप्त करते हुए। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ इंटरेस्टिंग से अपडेट्स जानने को मिले हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अभी, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।